नमस्कार सभी को। तो मेरी पहली पोइट्री, मतलब ये उनके लिए जो नंबर लेने के पीछे बावले हो जाते हैं, ठीक है। तो छोटी सी ये सुनिएगा कि एक ने कहा मन बिर है तो उदास है और तेरा दिन तन्हाई का सा, मन बिर है तो उदास है और तेरा दिन तन्हाई का सा, क्योंकि अपना नंबर दे देना मकले मेरे भाई का सा। शुक्रिया। तो मजाक से हटके एक सुनिएगा कि घर में पूछी जिसने तू पसंद करे है सावला है के, घर में पूछी जिसने तू पसंद करे है सावला है के, नू बोलिया तू मने मेरे रंग ते छोड़ देगी मका छोरे बावला है के। शुक्रिया। सो एक सुनिएगा कि गांव में हमारी जैसी जोड़ी कोई और नहीं है, तेरी मुच्छा का और मेरे तिल का कोई तोड़ नहीं है, गांव में हमारी जैसी जोड़ी कोई और नहीं है, तेरी मुच्छा का और मेरे तिल का कोई तोड़ नहीं है, और के क्या है मेरी जैसी मिल जाएगी कोई और, के क्या है मेरी जैसी मिल जाएगी कोई और, तो लाडले मैं एक के हूँ मेरी जैसी और नहीं है। एक मैंने मेरे भाई को देखते हुए लिखी थी, तो मैं उसे ही डेडिकेट करना चाहूँगी। मैं उससे बेमतलब लड़ा करूँ, अपनी गलती उसके आगे कदे ना माना करूँ, जब वो मेरे तक कह दे है ना अख्ते ने तुम कूड़े मत उठा के लाए थे, लड़न की जगह मुंह फुला के बैठ जाया करूँ, मैंने कोई चीज़ दिख जाए है ना वो ना खा ले सोच के उससे पहले खा लिया करूँ, बेशक जिसा भी है भाई मेरा, बेशक जिसा भी है भाई मेरा, खुद मैं उसे कंजर कह लूंगी पर उसकी बुराई किसी और के मुंह तना सुना करूँ। शुक्रिया। तो एक लड़कों पे लिखी थी, सुनिएगा कि किसी के जाने से अंदाजा लगाया कि लड़के तो नहीं रोते, किसी के जाने से अंदाजा लगाया कि लड़के तो नहीं रोते, आसानी से कह दिया फरेब है ये सब अपने तो नहीं होते, जिम्मेदारी उन पर भी होती है, जिम्मेदारी उन पर भी होती है, कमजोर तो नहीं होते, एक लड़का गलत हो तो बात सब पे आ जाती है, एक लड़का गलत हो तो बात सब पे आ जाती है, मियाँ सारे लड़के गलत तो नहीं होते। शुक्रिया। तो कुछ सिलेबस से बढ़ते हैं। इश्क की ऐसी खुमारी दे गया, इश्क की ऐसी खुमारी दे गया, दर्दों की जैसे उधारी दे गया, अब मुंह उतरा उतरा सा रहता है मेरा, अब मुंह उतरा उतरा सा रहता है मेरा, मियाँ न जाने कैसी बीमारी दे गया। एक और सुनिएगा कि जिन रास्तों पे अब निकल पड़ी हूँ वहां से पीछे मुड़ना नहीं जाती, जिन रास्तों पे अब निकल पड़ी हूँ वहां से पीछे मुड़ना नहीं जाती, और कट चुके हैं पंख मेरे, कट चुके हैं पंख मेरे, अरे छोड़ो यार अब उड़ना नहीं जाती। सो एक लास्ट सुनिएगा कि प्यार हर बार जताना जरूरी है क्या, मान भी जाओ मनाना जरूरी है क्या, प्यार हर बार जताना जरूरी है क्या, मान भी जाओ मनाना जरूरी है क्या, हाँ तुमसा नहीं मगर तुमसे है, हाँ तुमसा नहीं मगर तुमसे है, सुनो दरमियाँ हमारे जमाना जरूरी है क्या, हाँ तुमसा नहीं मगर तुमसे है, सुनो दरमियाँ हमारे जमाना जरूरी है क्या, मैंने कहा कब कुछ मांगा है तुमसे, मैंने कहा कब कुछ मांगा है तुमसे, तुम्हारा बात बात पर आजमाना जरूरी है क्या, बेचैनी सी है, बेचैनी से बेचैनी सी है, रुको जरा पास मेरे, बेचैनी सी है रुको जरा पास मेरे, किस जल्दबाजी में हो जाना जरूरी है क्या। अपनों से आज कोई रूठ कर आया है, अपनों से आज कोई रूट कर आया है, जरा देखो इस महफिल को शायद फिर एक आशिक टूट कर आया है। शुक्रिया। तो एक ऐसी हरियाणवी टोन में लिख दिया था, तेरे साथ रह के मन बेरा लग गया तेरी सोच किसी है, तेरे साथ रह के मन बेरा लग गया तेरी सोच किसी है, और जो तू बात बात पर कह दे है ना अब तेरे जिसी तो मैं ओढ़ लिया हूँ, बेटे तेना लाणी मेरी जिसी है। दिल को थोड़ा आराम आने लगा है,
अब जिक्र तेरा सरेआम आने लगा है। दिल को थोड़ा आराम आने लगा है, अब जिक्र तेरा सरेआम आने लगा है। घर वाले शक करने लगे हैं, अब की माजरा क्या है, अब नींद में भी तेरा नाम आने लगा है। शुक्रिया। तो एक सुनिएगा कि अच्छा, इल्जाम लगाया आपने बेवफाई का, चलिए ये मुद्दा भी सुलझाया जाएगा। अपने शहर को तो गवाह बना दिया आपने, वफा के किस्से हमारा मोहल्ला सुनाएगा। शुक्रिया। एक सुनिएगा कि मोहब्बत अपने आप में एक जालिम सरकार है, फरेब लोगों के हाथ में सच्चे लोगों की पगार है। मोहब्बत अपने आप में एक जालिम सरकार है, फरेब लोगों के हाथ में सच्चे लोगों की पगार है। और तरस न खाओ जालिमों हमें नुकसान पहुंचाने में, हम वो लोग हैं जिन्हें दर्द का खुमार है। शुक्रिया। आज जो ये मेरी फिक्र, आज जो फिक्र मेरी कर रहे हो शायद दो दिनों का प्यार है। आज जो ये फिक्र मेरी कर रहे हो शायद दो दिनों का प्यार है। और गुलदस्तों का शौक नहीं जो हमें थमा रहे हो, गुलदस्तों का शौक नहीं जो हमें थमा रहे हो। हम जानते हैं मियाँ सारे फूल काटेदार हैं। एक सुनिएगा कि सच्ची मोहब्बत सच्चे आशिकों के कभी पास नहीं आती है, सच्ची मोहब्बत सच्चे आशिकों के कभी पास नहीं आती है। सो जाया करती थी अक्सर जल्दी में, अब वो नींद न जाने कहाँ उड़ जाती है। और निकल आते हैं आंसू आज भी उसे याद करके यारो, और यकीन मानो आंसुओं के साथ नींद बड़ी गजब आती है। शुक्रिया। सो एक रेप पे लिखा था बहुत पहले, और मैं चाहती थी कि बाहर आए। तो सुनिएगा कि ये इंडिया है जनाब, यहाँ लड़कियों को ढक के रहना पड़ता है, नहीं तो क्या पता रेप हो जाए। यहाँ लड़कियों को घर के अंदर रहना पड़ता है, नहीं तो क्या पता रेप हो जाए। अब छोटे बच्चों को सूट सलवार ना पहनाए तो क्या करे साहेब, स्कर्ट पहना दिए तो क्या पता रेप हो जाए। किसी आदमी से ऊंची आवाज में बात कर दी तो क्या पता रेप हो जाए। 9 महीने की बच्ची के साथ, 8 साल की असीफा के साथ, उस बेकसूर निर्भया के साथ, हैदराबाद की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ रेप हो गया, पर क्या फर्क पड़ता है, ना तुम्हारी बहन थी ना बेटी। बस भाषण देते फिरते हैं कि अब की बार ये दोबारा ना हो जाए। ऐ सरकार करके देख रेप की सजा को सजाए मौत, क्या पता बलात्कार बंद हो जाए। शुक्रिया।